नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। मैं हूं केशव सिंह। जी हाँ, हम अभी पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर आज पहुंचे विक्रम विधानसभा। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में चले हैं सर अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन के लिए। कहीं न कहीं इस क्षेत्र में एक झलक दिख रही है, एक उत्साह दिख रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अगर जाते हैं तो कहीं न कहीं एक आने वाले चुनाव में एक नई रणनीति बन सकते हैं। यहाँ से आइए हम नागेंद्र जी से हम बात करते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ से जाते हैं तो क्या करें। चलिए, सबसे पहले स्वागत है आपका। इतना जन सैलाब के साथ कहाँ जा रहे हैं आप? आपको भी स्वागत है। आप जो जनता की आवाज़ है, आम लोगों तक, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बधाई है। आज नॉमिनेशन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। आज़ादी के 70 साल हो गया, बहुत सारे सरकारें आई आते जाते रहा सरकारें, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए किसी ने नहीं सोचा। आज भी गांवों में घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, देखिएगा आज भी जिसमें पिछड़े जाति हैं, दलित जाति हैं, उनके गलियों में आज भी कीचड़ लग रहे हैं। आज़ादी के 70 साल हो गया लेकिन आज भी वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इतने पैसे भेज रहे हैं फिर भी गांवों में आज घरों में मिट्टी के घर दिखाई दे रहे हैं। इतने शौचालय मद में पैसे आए लेकिन फिर भी आज माताओं बहनों को रोड पर बैठने पर विवश हो रहा है। यही जन सैलाब का कारण है। नागेंद्र कुशवाहा नौबतपुर से जिला पार्षद होते हुए, आज श्रम विभाग के बहुतायत योजनाएँ थी बिहार सरकार में पड़ा हुआ। बहुत लोग विधायक एमपी बने लेकिन किसी ने धरती पर उतारने का काम नहीं किया। पहली बार नागेंद्र कुशवाहा ने इस लड़ाई को, अभियान को तेज किया जिसमें साइकिल औजार की राशि 15,000 रुपया लोग के खाते में गया। उसके बाद श्रम विभाग बिहार भवन शनिवार बोर्ड हुआ, उसके तहत जो है 3,000 रुपया चिकित्सा सहायता के लिए जाने लगा। नागेंद्र कुशवाहा ने जब जिला परिषद में आवाज़ एक कस के बुलंद की तो बेटियों के शादी में आज 50,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। आज रोड पर 20,000 रुपये के लिए रोड जाम लगती थी, एक्सीडेंट होता था तो नागेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ें उठाई, रोड पर आंदोलन किया, सरकार को विवश होना पड़ा और आज 4 लाख रुपये बीमा को के रूप में देना शुरू किया। आज जनरल मृत्यु में भी 2 लाख रुपया ये आंदोलन हुआ। ये नागेंद्र कुशवाहा जब आंदोलन किया तो ये हुआ, सरकार में पड़ा हुआ था। आज भी उद्योग विभाग में 10 लाख रुपये आप सुनते हैं कि जो दलित है, अति पिछड़ा है, उसको रोजगार के लिए देना है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ने इस योजना को धरती पर नहीं उतारा। आज विक्रम में कोई भी गांव में एक भी रोजगार के लिए पैसा नहीं मिला। नागेंद्र कुशवाहा अगर बनता है तो यह वो योजना को, जिस तरह से श्रम विभाग के योजनाओं को उतारने का काम किया है, नागेंद्र कुशवाहा इस योजना को उतार करके भी जो नौजवान है, बेरोजगार है, उसको रोजगार देने का काम करेगा। प्रत्याशी के तौर पर अपना अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, जो जन सैलाब है, मैं तो रालोसपा से था, मेरी टिकट काट दी गई थी और इसलिए काटा गया था कि गरीबों का बेटा, वंचितों का समाज, मजदूरों का वो कोई सदन में आवाज़ नहीं उठा सके। ये मेरी की टिकट काट करके जो गरीब थे, पिछड़े थे, दलित थे, शोषित थे, वंचित थे, उनका टिकट काटा गया है और काट करके यह संदेश दिया गया था कि कोई शोषित, दलित, वंचितों के जो आवाज़ उठाएगा वो सदन में नहीं जाएगा। नागेंद्र कुशवाहा जब इस बात के लिए चर्चा किया, लोगों ने कहा कि टिकट बांटने का अधिकार किसने उनको दिया है, वोट हमारा है तो टिकट हम बांटते हैं, विक्रम विधानसभा के लोग आपको टिकट दे रहा है, नागेंद्र जी आप मेरे टिकट पर लड़िए, आपको पार्टियों को आगे सिर झुकाने से अच्छा है कि भाई के पास रहिए और भाई का काम करिए, आपको किसी के पास सिर झुकने से अच्छा है कि आप समाज के बीच रहिए। यही विक्रम विधानसभा के लोगों ने कहा और यही लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि आप टिकट के लिए नहीं मत प्रयास करिए, हमारे वोट को बेचता है, टिकट के नाम पर जो पैसे लेता है, दलाली करता है, वो हमें बेचता है। नागेंद्र जी आप हमारे काम करते हैं, आपको बिकने नहीं देंगे, आपके साथ हम रहेंगे, यही संदेश है लोगों का और यही चलते जन सैलाब लोग के पास है। देख सकते हैं नागेंद्र कुशवाहा जी अपने जन समर्थनों के साथ आज निकले हैं। विक्रम विधानसभा में एक बदलाव की उम्मीद जताई गई है जनता के लिए। हम लगातार आपको पल पल की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे नागेंद्र कुशवाहा जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार लाइव से जुड़ने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नागेंद्र कुशवाहा जी का काफिला निकल चुका है नॉमिनेशन की ओर। इनके साथ करीब सैकड़ों हजारों संख्या में महिलाएं और यहाँ की
जनता के साथ ये निकले हैं। आइए आप उनसे बात करें। 100% गारंटीड मानिए, ये गरीबों की लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो पैसे से पूरा राजनीतिक व्यवस्था को अपने चुंगुल में रखा है। आप लोग पत्रकार हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, हर जगह जिसके पास पैसा है, गुंडा है, लफंगा लोग है, वो लोग बलात् पूरा डेमोक्रेसी को अपने हाथ में रखा है। नागेंद्र कुशवाहा एक इनकलाब है, एक जवाब है उन लोगों के खिलाफ कि अभी भी इस देश में प्रजातंत्र बचा हुआ है और नागेंद्र कुशवाहा रिकॉर्ड मत से विक्रम से अपनी जीत दर्ज कराएंगे और यह जमाना देखेगा। नागेंद्र कुशवाहा जी के लिए कैसा उत्साह लग रहा है, क्या उम्मीद है क्षेत्र के लिए? बहुत अच्छा उम्मीद है और जीतेंगे, क्योंकि गरीबों का लड़ाई नागेंद्र कुशवाहा ने लड़ा है। वंचित गरीब का कोई न्याय देने वाला नहीं है। आज सारी पार्टी जो हैं वो बिक जाते हैं, गरीब जो वंचित तबके के लोग हैं वो सारे लोग को काम करते हैं। हम लोग विधायक यहाँ बनते हैं और चले जाते हैं। मतलब वर्तमान विधायक का सुपड़ा साफ करेंगे आप लोग, क्या उम्मीद? बिल्कुल करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। वर्तमान विधायक जो सिद्धार्थ कुमार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोगों के प्रति विक्रम विधानसभा हम लोग पहुंचे के साथ। यहाँ पे आप देखिए करीब हजारों की संख्या में महिलाएं युवाओं का समर्थन मिला हुआ है। मैं जोर कनेक्ट